व्हाट्सएप एवरीबडी, राघव अग्रवाल ट्विटर के न्यू सीईओ बन गए और इस वीडियो में देखेंगे वो कैसे इस पोजीशन तक पहुंचे। 1984 में प्राग अग्रवाल का बर्थ राजस्थान के अजमेर में हुआ था। वो बाद में मुंबई शिफ्ट कर गए थे। उनके फादर एक सीनियर ऑफिशियल थे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में और उनकी मदर रिटायर्ड टीचर है। उनकी स्कूलिंग एटॉमिक एनर्जी सेंटर स्कूल में हुई और उन्होंने 2000 में जेई में 77th रैंक लाई और 2001 में उन्होंने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड जो टर्की में हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता। 2005 में अपनी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस कंप्लीट करके वो यूएस शिफ्ट कर गए अपनी एमएस और पीएचडी डिग्री कंप्लीट करने के लिए स्टैनफोर्ड से। ट्विटर ज्वाइन करने से पहले पराग अग्रवाल माइक्रोसॉफ्ट और याहू सर्च में भी रह चुके हैं और 2011 में ट्विटर उन्होंने ज्वाइन करा। उस टाइम ट्विटर में 1000 से भी कम एम्प्लॉयज थे, उन्होंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन किया था। अक्टूबर 2017 में पराग अग्रवाल को ट्विटर का न्यू सीटीओ अपॉइंट कर दिया गया और दिसंबर 2019 में उन्होंने प्रोजेक्ट ब्लू स्क्वायर का हेड बना दिया। प्रोजेक्ट ब्लू स्क्वायर ट्विटर का एक प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था डिसेंट्रलाइज सोशल नेटवर्क प्रोटोकॉल डेवलप करने के लिए। और अब 29 नवंबर 2021 में जैक डॉर्सी के बाद अब ट्विटर के न्यू सीईओ पराग अग्रवाल है। ये पहली बार नहीं कोई इंडियन किसी यूएस कंपनी के टॉप पोजीशन पे, इससे पहले भी गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, बहुत सारी कंपनीज में इंडियंस उनके सीईओ रहे हैं या उनके टॉप लीडरशिप पोजीशन में रह के वो कंपनी चला रहे हो। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी और अपडेट्स के लिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वन में। बाय बाय।